बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अलग यू नो टाइप की वेब सीरीज़ है ये, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, कॉम्प्लिकेटेड था काफ़ी शूट करना, बट बहुत मज़ा आया क्योंकि बिजॉय बहुत ही यू नो कमाल के फिल्म मेकर हैं और उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो तो और भी कमाल की है. तो इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस यू नो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर्स के साथ काम करने के लिए मिला, जैसे जिम सराब है, विराफ पटेल है, तो डिफरेंट एक्टर्स हैं यू नो दोनों मुझसे, तो इट वॉज़ इंटरेस्टिंग. यू नो वी शॉट इट ओवर लाइक आई थिंक 5 दिन में हमने ख़त्म किया, 45 मिनट की वेब सीरीज़ है, तो बहुत टाइट था जो हमारे पास टाइम था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था. और अगर आप यू नो वेब सीरीज देखोगे तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक जहाँ पे मैं यू नो आई एम प्लेइंग लाइक अ 27-28 ईयर ओल्ड जो मेरी अपनी एज है, और एक पोर्शन है जिसमें मैं 50 साल का यू नो औरत प्ले कर रही हूँ. तो वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि प्रोस्थेटिक्स थे, एजिंग था, वो पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता था, और उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज वो सब यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्लाइटली ओल्डर कैरेक्टर, स्लाइटली ना जो यू नो डबल द एज, तो वो सब ध्यान में रखना था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट बहुत एज एन एक्टर बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसा कुछ आपको करने को ज़्यादातर मिलता नहीं है. और एक ही वेब सीरीज़ में आप 2 एज ग्रुप्स प्ले कर रहे हो और उसको कन्विंसिंगली प्ले करना है विदाउट यू नो कैरिकेचरिश नहीं लगना चाहिए, तो चैलेंज था, बट बहुत मज़ा आया बिकॉज बिजॉय बहुत क्लियर थे उन्हें क्या चाहिए. आई थिंक एज ए डायरेक्टर ही इज़ वेरी वेरी यू नो उनके न्यूएंसेस बहुत अच्छे हैं और वो आपको बहुत यू नो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उनको क्या क्या चाहिए, तो बहुत क्लैरिटी थी. इट वॉज़ फन बिकॉज हम बहुत यू नो 2 पारसियों के साथ मैं शूट कर रही थी और दोनों पागल हैं और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है, तो हम इतना हंसते हैं. अगर आप यू नो उसके ब्लूपर्स देखोगे हमारे मेकिंग के तो आपको समझ में आएगा कि हम सीरियस सीन्स कर रहे थे और उसके बीच में हम इतना हंस रहे थे. सो इट वाज फन जी, काफ़ी यू नो फ्रेंड्स और फैमिली और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लोग सब ने देखी और सबके मैसेजेस आए हैं कि उनको बहुत पसंद आ रही है, सबको यू नो पूरा कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से यू नो शूट किया गया है वो सब बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इट्स लुकिंग यू नो लार्जर देन लाइफ और बहुत अच्छे से शूट किया है बिजॉय ने. एंड बिजॉय इज़ नोन टेक्निकली बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते हैं वो जी, और इवन शैतान बहुत बहुत ब्यूटिफुली शूट करते हैं और इसमें भी उन्होंने यू नो बहुत ब्यूटीफुली मुझे प्रेजेंट किया है. इनफैक्ट जब मैं यू नो बूढ़ी वाली जो ये मेरा यू नो जो कैरेक्टर है उसमें भी उसने बहुत यू नो अच्छे से मुझे प्रेजेंट किया है, तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द यू नो वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स हु प्रेजेंट्स वुमेन रियली रियली ब्यूटीफुली. और या आई थिंक एज एन एक्टर प्रेपरेशन तो प्रीटी मच सेम होती है बिकॉज द प्रोसेस इज द सेम. जब आप वेब सीरीज भी करते हो तब भी आपको पूरी स्क्रिप्ट यू नो पहले ही मिल जाती है और आप उसको एक फिल्म की तरह ही शूट करते हो. बट आई थिंक बिकॉज वेब सीरीज इज़ ओवर 10 एपिसोड्स या 8 एपिसोड्स तो आपको वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है इन ऑर्डर टू एच आउट अ कैरेक्टर, सो यू गेट मोर इन्वॉल्व विद अ कैरेक्टर और उसका बैक स्टोरी उस सब कुछ आपको यू नो डिटेल में आप समझा सकते हो. वेयर एज बिकॉज फिल्म बस 2 घंटे की होती है तो आप उतनी डिटेल में नहीं जाते हो और उतना दिखा नहीं पाते हो, तो आई थिंक बट सो एज एन एक्टर पीपल ऑल्सो आई थिंक रिलेट टू यू मच मोर इन अ वेब सीरीज एज अपोज टू इन अ फिल्म. बट प्रिपरेशन वाइज और काम करने के तरीके में प्रीटी मच इट्स द सेम बिकॉज जिस तरीके से हम फिल्म शूट करते हैं वैसे ही हम वेब सीरीज भी शूट करते हैं. एटलीस्ट अब तक मैंने जो वेब सीरीज शूट करी हैं वो ऐसे ही शूट की हैं लाइक अ फिल्म, तो इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. बट मैं पर्सनली आई इन्जॉय वेब सीरीज मोर बिकॉज आई थिंक जिस तरीके का कॉन्टेंट वेब सीरीज में आ रहा है वो फिल्मों में अभी तक नहीं आया है. आई थिंक फिल्में अभी भी थोड़ी सेफ जोन में यू नो प्ले करती हैं. आई थिंक नॉट जस्ट सेंसर बट इवन जो यू नो स्टोरी आइडियाज़ हैं फिल्म्स के वो अभी भी थोड़े यू नो सेफ हैं. वेयर एज बिकॉज यू नो वेब में आप यू नो यू हैव नथिंग टू लूज सो यू कैन एक्सपेरिमेंट फार मोर. और तो एज एन एक्टर ऑल्सो आप लाइक इवन इफ आई कंपेयर जो मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ उसमें भी मेरे कैरेक्टर्स इतने वेरीड हैं वेयर एज इन फिल्म्स में बी दैट्स नॉट दैट पॉसिबल. तो आई थिंक एंड टुडे आई थिंक यू नो आप कहीं पे भी किसी को भी देख लो, चाहे वो यू नो ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, रिक्शा में बैठे हैं, सब अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, दे आर वॉचिंग यू नो समथिंग और दी एल्स. एंड
And I think it's great that people are watching a whole lot of content on the digital platform. Or it's also given an opportunity for a whole lot of actors to do a lot more work, which is great. Decide to नहीं किया था, बातें तो काफी काफी लोग से की थी, and finally Eros के साथ मैंने काफी फिल्म के लिए भी बात चल रही थी, तो जब ये ऐसा एक मौका आया तो I thought why not we should try and do something like this, and with the support of Eros team, there is Ridhima, Roshni and all, I was able to do a show which I wanted to do. ऐसा नहीं कि something दे, उन्होंने मुझे बोला कि ये करके दे दो, so मैंने उनको ये pitch किया और उनको ये idea अच्छा लगा, और they gave me the full liberty and independence to do it the way I wanted to do it. With every year you are seeing ये कितना ये platform कितना किस तरीके से इतनी जल्दी से it's getting more and more important, more and more accepted by I think people who are anybody who has a phone and a 4G connection is watching. Everybody is watching. आप चाहे local train में जाइए, चाहे bus में जाइए, चाहे road में देखिए, everybody is hooked on to watching stuff on their phones, iPads and computers. So it's not a medium you can ignore. लेकिन कुछ लोग का कहना है कि क्या ये इतना बढ़ जाएगा कि लोग फिल्में देखना बंद कर देंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता. I think फिल्में रहेंगी, फिल्में nobody can touch that. वो तो बनेंगी जिस तरह से बन रही हैं. But at the same time ये area भी उतना ही बड़ा रहेगा, उतना ही बड़ा बनने वाला है, and people are definitely gonna be watching more and more. So you'll see a lot more content being made for this. ये शो का नाम ही बहुत सोच के इसलिए हमने फ्लिप रखा था, क्योंकि फ्लिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरीज दैट फ्लिप, इट्स ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर्स दैट फ्लिप, इट्स अबाउट मोमेंट्स दैट फ्लिप. सो जो एक चीज़ जो ऐसा हो जाए जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए, आई मीन दैट्स वॉट द आइडिया वॉज विद एवरी स्टोरी, हमने वही कोशिश की. वी आर ट्राई टू स्टे ट्रू टू द थीम ऑफ द शो. बिल्कुल नहीं, हर प्रोजेक्ट के बाद मैं वापस वही स्ट्रगल, वही कहानी, वही सब भाग दौड़ वही चल रहा है, तो मेरी ज़िंदगी कुछ बदली नहीं है ऐसा कुछ. बट हाँ, आई जस्ट कीप लुकिंग आउट फॉर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड कीप लुकिंग आउट ट्राइंग टू सी वॉट इज़ द बेस्ट आई कैन डू विथ बीट फीचर्स, बीट डिजिटल. सो आई डोंट थिंक, आई थिंक 10 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है. बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब ये जितने हो सके लोग ये कहानियाँ देखें, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल वॉचिंग स्टफ लाइक दिस विल गिव अस सपोर्ट, विल गिव अस एनकरेजमेंट टू ट्राई एंड डू मोर स्टोरीज लाइक दिस. एंड गुड और बैड, आई वुड लव टू नो द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस. वेब सीरीज़ की दुनिया मैं मानता हूँ एक बहुत ही अच्छी देन है क्रिएटिव लोगों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, क्योंकि एक बहुत अरसे से एक मुश्किल ये चल रही थी कि जो छोटी फिल्में हैं या जो बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उनको थिएट्रिकल रिलीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो गया था. बिकॉज जब आप थिएटर में फिल्म रिलीज़ करते हैं तो आपकी फिल्म जितनी चाहे छोटी हो, मीडियम रंग की हो, जो भी हो, वो कम्पीट करेगी बड़ी फिल्म के साथ ही, तो और उनके मार्केटिंग बजट्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो एग्जीबिटर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो ठीक से शो नहीं देते छोटी फिल्मों को, तो उसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल हो गया था बहुत क्रिएटिव लोगों के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए. अब वेब सीरीज़ के ज़रिए से एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको, जिसमें ये जो थिएटर्स की भागदौड़ या जो इतनी बड़ी मार्केटिंग की जो थिएटर्स डिमांड करते हैं वो डिमांड नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस इन प्लेटफॉर्म्स पर आज देखने को मिल रहा है एंड लोग देख भी रहे हैं. बिल्कुल, मैं समझता हूँ सोसाइटी में बुलिंग एक बिल्कुल एक अनवांटेड चीज़ है और नहीं होनी चाहिए. उसका कोई मुझे पॉजिटिव चीज़ कोई ऐसा दिखता नहीं है. वो एक जो एक्सक्यूज यूज़ होता है कि नहीं सीनियर्स और जूनियर्स की बॉन्डिंग के लिए हम बुलिंग करते हैं, बॉन्डिंग के और बहुत तरीके हैं. मेंटरशिप आई थिंक इज़ अ बेटर थिंग टू इंट्रोड्यूस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ जहाँ पे यंग लोग हैं, बुलिंग के ट्रेडिशन की जगह मेंटरशिप के ट्रेडिशन शुरू करने चाहिए, जहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं या बड़े लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो छोटे लड़के लड़कियों को दे विल टेक देम अंडर देयर विंग एंड शो देम अराउंड पॉजिटिवली, इंस्टेड ऑफ के नहीं यू नो पावर प्ले, पावर प्ले में. बिकॉज मैं तो मानता हूँ इंसान की प्रॉब्लम ही ये है, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं इंसानी प्रॉब्लम्स वो इसी कोर से निकलती हैं कि अगर एक
इंसान के पास दूसरे से ज़्यादा पावर होगी तो वो एग्जर्ट करेगा इनएविटेबली। तो ये सच्चाई है दुनिया की, और सब प्रॉब्लम्स आप देखेंगे वो इसी से निकलती हैं। चाहे आप ले लीजिए अपना फ्यूडलिज्म ले लीजिए, करप्शन ले लीजिए, कास्टिज्म ले लीजिए, क्लासिज्म ले लीजिए, जेंडर इनइक्वालिटी ले लीजिए, वो सब इसी से निकलती हैं। जहाँ एक आदमी के पास दूसरे के ऊपर पावर है वो वहाँ पे ज़रूर एग्जर्ट करेगा, पावर ज़रूर प्ले करेगा। तो ये जो इंस्टिंक्ट है ये अगर हम कर्ब करना शुरू करें और उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना शुरू करें, जैसे कि मेंटरशिप में मैं कह रहा था कि अगर एक इंसान के पास दूसरे के ऊपर पावर है तो लेट हिम बी द हेल्पर, यू नो। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ सोसाइटी में बदलाव मेजर ला सकती है, बट बुलिंग तो डेफिनेटली नॉट, राइट? उसका तो कोई पॉजिटिव नहीं मिलता दिखता मुझे। हेलो, मिम्मल ने फिल्म सेलिब्रिटीज रियल स्टोरीज एंटो తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం? యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.